देवी माँ आज आपके साक्षात दर्शन हो गए। हमारी जिंदगी सफल हो गया देवी भैया, हमारी जिंदगी सफल हो गया। आप हमें आशीर्वाद दीजिए भैया। हमको आशीर्वाद दीजिए देवी मैं। देवी मैया, लगता है देवी माँ हमसे नाराज उराज हो गई। धनी राम, तोरी अम्मा सच कहती थी कि दारू पीना बुरी बात है, इसलिए आज के बाद रात के वक्त दारू पीना बंद, नहीं कल से, इसलिए कल से हम बिल्कुल शराब नहीं पिएंगे। हेलो ईशाना। हेलो, नेटवर्क है। हेलो निखिल, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार, how are you? तेरे बिना कैसे हो सकती हूँ यार। यार तू सोनबरसा में जाके बैठ ही गया। यार तू मुझे एक बात बता, ये तेरा गांव सोनबरसा कौन से कोने में बसा है जो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली तेरा नेटवर्क मिला? अच्छा मेरी बात सुन, अब तू मुझ पे ये बॉम मत फोड़ना कि तू कल भी नहीं आएगा। आ रहा है ना? शाना मैं कल नहीं आ रहा। क्यों निखिल, क्या हो गया? वो गांव वाली लड़की थी ना जिसके बारे में बताया था मैंने। कौन वो? पार्वती वाली? हाँ भाई, बहुत बुरा हुआ उसके साथ, शादी टूट गई उसकी। Guess what? All because of dowry. यार गांव में अभी भी ये सब होता है क्या? तो शहरों में क्या कम होता है? निशाना हमें लगता है सब कुछ बदल गया, we're part of the modern progressive India, हाँ? यार मैं तो सोच रहा हूँ कि हेलो निखिल, ईशाना, हेलो निखिल, आई यू देयर? हेलो ईशाना, कैन यू हियर मी? बचाओ राजू, बचाओ। पागल हो गई हो क्या? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कीर्तन करने आए हमारे पानी में, हमको डॉक्टर आए हो तेरे को बचाने के लिए, हमको बाहर निकालो, हमारा पैर फंस रहा है, ये बांध का पानी टूट जाएगा। निकला? हाँ निकला।
और कहाँ जा रहे हो? हमने बोला ना बांध का पानी छूट जाएगा। अरे वहाँ की जगह सीधा ऊपर जाएंगे। यहाँ चलो। थैंक गॉड यार, बाल बाल बच गए। पानी का फ्लो देखो, ऑसम नो। क्या हुआ, गला दुख रहा है? अरे क्या कर रहे हो? हम देख लेंगे यार, एक सेकंड देखने तो दो। पूरा सूज गया यार बुरी तरीके से। हैंग ऑन, रुमाल बांध देता हूँ। ड्रामे बंद करो अपने। एक तो जाके बॉन्ड बनती हो, पानी में कूदती हो, उसके बाद बचाओ बचाओ बचाओ। किसने कहा था तुमको सुसाइड कमिट करने को? अरे मेरी माँ आत्महत्या क्यों कर रही थी? कौन पगलोट आपसे ई बात बोला कि हम आत्महत्या करने गए थे? बखत पड़ने पर ना हम अच्छो अच्छो को माटी चटा सकते हैं। हाँ हम तो बस घर छोड़ के भाग रहे थे। तुम क्रैक हो गया? अरे घर छोड़ के कोई पानी में कूदता है? अरे एक तो ना तुम्हारी महान बातें, साथ में ये पत्थर गड़ रहा है मेरे को अंदर। नदी में जाए हमारा दुश्मन? हम तो ये नदी पार कर रहे थे ताकि हम किनारे पे पहुंच जाए। किनारे पर आने के बाद हम ये चार गांव पार करने वाले थे, उसके बाद ना आता है शहर। शहर जाके हम पढ़ाई करने वाले थे, वहां जाकर हम ना नौकरी भी करते, बहुत सारा पैसा कमाते, ताकि कोई भी ना हमारे माए बाबूजी से ये ना कह सके कि हम उन पर बोझ हैं। फुल प्लानिंग हा? मुहूर्त निकाला था तुमने? उसी समय डायरेक्ट छलांग लगाऊंगी और वहां से छूटेगा डैम का पानी। अरे अगर मैंने देखा ना होता ना, कहां की कहां बह चुकी होती। बर्बाद होने को बचा ही का। पूरा गांव का सामने था, हमारा शादी टूट गया, पूरा गांव ही तमाशा देखा, पूरा नौटंकी हो गया मेरे साथी। राजू मैं वहां पे था, मैंने वो सब कुछ देखा है। And trust me, उस पूरे सिनेरियो में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। Believe me, मैं 100% तुम्हारे साथ हूँ। And ऐसा मैं नहीं, मेरे फ्रेंड्स भी सोचते हैं। अरे कौनों की गलती हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो बस इतना जानते हैं, वो घर में ना हमसे कौनों भी प्यार नहीं करता। हाँ नहीं, हमारा साथ देने के बजाय सब हमको डांटने लग गए थे। जो यार क्यों कर रही हो इतनी इमेच्योर बातें? पता है बाबा को तुम्हारी कितनी फिक्र है? काका काकी तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतने खुश थे वो शादी पे, क्यों ऐसी बातें कर रही हो यार? हमारी शकल पे मत जा, दीन दुनिया का मालूमात है हमको। जिस लड़की का बारात आके दरवाजे पे से वापस चला जाए, लड़की को कैसा लगता है ना ही हम जानते हैं। जिस लड़की का माई सगा माई, माई हमारा सगा माई, खरा खोटा सुना दी हमको, दुनिया का साथ दे रही थी। एक को बात बताओ, जब आपका माई ना आपको ऐसा सुनाएगी खरे खोटी, जब आपका गलती नहीं होगा तो कैसा लगेगा आपको? हाँ बोलो। गलती करती हो तो माँ डांटती है ना, पता लग जाए। माँ का हक से डांट देना ना, उसके कुछ ना कहने से बहुत बेहतर है। क्या? कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी। हाँ तो फिर आप भी नहीं समझोगे हमारा दर्द। कहाँ है हमारी तकलीफ? हम भी ना पुत्थू एकदम,
ऐसे ही सारा भाषण लेके बैठ गए आपके सामने। वो तो तुम हो 100% बुद्धू। तो अपनी बकवास की बातें बंद करो और अब ये बताओ कि घर कैसे जाना है। हम बुद्धू हैं। बुद्धू वाली बात तो आप कर दिए। अब ऐसा पानी छूट गया तो ये वक्त जा पाएंगे का पानी में? वो निशान नजर आ रहा है ना वहाँ पर, वो लाल वाला, वहाँ ऊपर पानी चला गया। इसका मतलब अब कौनो भी तैर नहीं सकेगा। हम तो वैसे जाने वाले नहीं थे और नहीं जाएंगे, पर अब आप भी नहीं जा पाओगे। भोर होए तक यहीं बैठना पड़ेगा। यार लाजो, वंस एंड फॉर ऑल प्लीज जस्ट शट अप। मैंने इतना समझाया, क्या फायदा हुआ यार इसका? फिर वही इमैच्योर बातें, घर नहीं जाना, घर नहीं जाना। पता है आज भी याद है मुझे, हाईवे पे मिली थी ना मुझे अपनी उस वो पार्वती के साथ, चपड़ चपड़ चपड़, मैं और मेरे दोस्त पागल हो गए थे। और अबे चपड़ 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 करने का वक्त, आवाज उठाओ, स्टैंड लो। याद है वो उस दिन क्या था, वो ताड़ी जब पी रहे थे, मेरी चौक की थी ना वो बूटा औकात। लाजो अब दिखाओ अपना बूटा, स्टैंड लो, घर जाओ वापस, रियलाइज कराओ काका को, काकी को, गांव वालों को कि तुम सही और वो सब गलत। पर नहीं, मैं तो अब डर गई हूं, मेरी शादी टूट गई, कन्वीनियंटली पतली गली से भाग जाऊंगी मैं। यार ऐसे थोड़ा ना होता है यार, सोचो काकी पे क्या गुजर रही होगी, बिना बताए घर से बाहर हो रात को, कितने परेशान होंगे वो। पढ़ाई करनी ना तुम्हें लाजो, उसके लिए शहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज हैं यार। अरे यार सोनबरसा में रह के पढ़ो, घर पे किताबें आएंगी, बाबा हेल्प कर देंगे, मैं भिजवाऊंगा। यहाँ बैठे बैठे सक्सेसफुल बनो, सोनबरसा को आगे बढ़ाओ। पता है कट ऑफ कितना है? 35-50। मेरे फ्रेंड के 33% आए थे कंपार्टमेंट में, उसका भी हो गया। इतनी टेंशन मत लो यार, मैं करवा दूंगा एडमिशन। कितने आए थे तुम्हारे वैसे यूपी बोर्ड में? 80%। लाजो सोई गई? पता नहीं, होगी अपने बिस्तर पर। अरे तुम ऐसा काहे बोलती रहती हो? गांव समाज के लोग चाहे जो कुछ भी बोले, खून तो अपना ही है ना वो। ठीक है करे, ठीक करे। हाँ भी गुस्सा में ना जाने कहाँ का बोल गया उसको। जाके देखो लाजो का, आज खाना भी नहीं खाई है वो। तो कहाँ चली गई? वो भी ना बताए। तुम भीतर देखो दूसरे कमरे में, हम पिछवा जाके देख के आते हैं, बाहर भी जाके देखे। अरे रो नहीं, चलो आओ जल्दी। चली गई। अभी दिखाता हूँ तुम्हें आग जला के। बुशक्राफ्ट कहते हैं इसे। ये भी इंटरनेट पे कहाँ देखा होगा तुमने, जलेगी। रुको एक सेकंड। हम करे तुम ट्राई करके देख लो।
हमारे गांव में ना बत्ती चला जाता है और माचिस नहीं मिलता ना, तो हम यही करते हैं। हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में, गारंटीड। वैसे यार एक बात बताओ, डाउरी के स्कूटर पे गांव का गेरी राउंड, उसके बाद तुम्हें स्कूटर भी चलाना नहीं आता ना, राइट? फुल ऑन वॉनबी निकल पड़ी। स्कूटर को तो साइकिल की तरह ही चला लेते हैं, हम सोचे कि हम भी चला लेंगे, बस सवार हो गए। उनका कान ऐसा मरोड़े ना। क्या मरोड़े? कान? स्कूटर का कान। हाँ, और फिर क्या हुआ? फिर का हम आगे आगे और हमारा गांव पूरा पीछे पीछे। कभी हम ई गली कभी ऊ गली ऐसा करते करते हम उस स्कूटर पे पूरा का पूरा गांव का दर्शन कर लिए। बस एक जगह आके ना हमारा संतुलन बिगड़ गया, गिर गए हम। पता है उस स्कूटर का ना वो ऐसा बत्ती उसी सा उसका भी टूट गया। हमको मालूम होता ना कि ऐसा हालत होगा ना उस स्कूटर का, और अगले दिन इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा ना, हम ऐसा करते ही नहीं। अपमानित होना पड़ा हमारे माई बाबू जी को। और अब तुम उनकी और प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हो, बिना कुछ बताए रात को घर से बाहर हो। क्यों? काकी कितने परेशान होंगे, कितने टेंशन में होंगे। तो बस वेट कर रहा हूँ यार, सुबह होए तुमको घर छोड़ के मैं जा रहा हूँ वापस, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, ओवर। अभी भी दुख रहा है? थोड़ा चल लो, स्ट्रेच वेच कर लो यार, वापस घर जाना है सुबह। नहीं, पूरी मोच आई हुई है। खैर छोड़ो, तुम तो खुद ही ठीक कर लोगी, क्लिनिक में काम करती हो। अपना मोच कोई खुद से ठीक करता है का? वो तो खुद ही ठीक हो जाएगा। लाओ यार, मैं ट्राई करता हूँ, देसी नुस्खा बताता हूँ तुम्हें। ये दूंगा एक खटाक से पुश, सब फिट हो जाएगा, ठीक है? नहीं नहीं नहीं। अरे अभी कोबरा को जिम में लग गई थी बैक में, ये दिया मैंने झटका थेरेपी, फुल सटीक चलने लगा एकदम। ट्रस्ट मी। 1, 2, 3 हो गया ना, फिट एंड फाइन। जोर का झटका, धीरे से लगे। पूरा गांव छान मारे, कहीं पता नहीं चला। वो इतना रात में कहां गई होगी? यही तो हम भी समझ अभी नहीं आ रहा। जवान बिटिया ब्याह के दिन ही घर से कहीं चली गई, कहीं हमारी डांट डपट की वजह से कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। अरे मत बोलिए ना ऐसा, अरे ऐसा हो गया तो हम तुझे तुझे मार जाएंगे ना। अरे बाप रे, चली गई। गुड मॉर्निंग, चले। पानी का फ्लो भी बहुत कम हो गया, आओ। लगता है मेरी झटका थेरेपी उल्टी हो गई। सॉरी। बोले बाबा, हमारी बिटिया सोई सलामत पहुंचा दीजिए ना, हम ना सवा पांच सिर प्रसाद चढ़ाए के, सच्ची बोल रहे।
अरे बाबा। माई माई उन दीदिया 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 देखी देखी दीदिया कहाँ है माँ मायू धानी साफ साफ बोल क्या हुआ मायू